Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching The Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. एक मिनट यार, जरूरी बात करने आया था मैं शर्मा तुम्हारे पास। घर में यार बर्फ होगी? बर्फ हाँ है। तो एक काम कर दो यार, एक ग्लास में चार टुकड़े बर्फ के डालो, अच्छा सा नींबू पानी बना के मेरे लिए ले आओ, गर्मी बहुत हो रही है यार। है कि नहीं? मेरे घर में डंडा भी है। पहले बताना चाहिए था, मैं गिल्ली लेकर आता, हम गिल्ली डंडा खेलते। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए ना पीना कोलाडा ले आइए। अभी तो आप नींबू पानी मांग रहे थे। जो भी मैं मांगूंगा आप लाने तो वाले हैं नहीं। कम से कम खूबसूरत लड़कियों के सामने मैं अपना स्टैंडर्ड तो हाई रखूं। बनता है। कैसी हैं आप लोग? बड़ी खूबसूरत लग रही है अंकिता जी। ठीक है एकदम? एकदम मस्त। अनीता हसन नंदानी जी, दोनों के बीच में बैठ के फसन नंदानी तो महसूस नहीं। हाय भैया, मैं इनके पति हैं विवेक भैया, इनको कह रहा हूँ मैं हाय भैया। मिलते रहते हैं मुझे, मेरा हाय कहिएगा उन्हें जी। और उर्वशी जी, आपको तो देख के मैं कह सकता हूँ आपके घर में चैन नहीं है। नहीं। जितने चैन है सारी पहन के आ गए। मैं अपना तारुफ करा दूँ, मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ, दामोदर जेठमलानी नाम है मेरा। हिम्मत है तो ये बताओ कौन से कलर की चप्पल पहनी है आपने? वाह, है आप में हिम्मत। थैंक यू। लेकिन यार मानना पड़ेगा, मैं यार बैठ जाऊं, मैं कह रहा था कि बैठ जाओ, उठाऊंगा मैं नहीं। मैं ये कह रहा था कि यार मानना पड़ेगा, आज आपके घर में चार चांद लगे हैं। चार क्यों, पांच आपका भी तो है। ये देख रही हैं जी, मतलब आपके घर में चार चांद के टुकड़े आए हुए हैं, लेकिन आपको दिखाई ये चांद दे रहा है। देख रहे, इसे कहते हैं बीवी का खौफ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों में और मुझ में एक चीज कॉमन है। क्या? आप लोग डेली सोप करती हैं, मैं डेली शैम्पू करता हूँ। तो शैम्पू फिसल के आंखों में नहीं पड़ता आपकी? ये माली को बुला के ये कटवाते क्यों नहीं आप बड़ी वाली कैंची से? यार देखो, डोंट कवर अ बुक बाय द जज। क्या? डोंट जज कवर बुक बाय द, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, देन डोंट जज ना यार। अंकिता जी और बाकी बढ़िया सब? एकदम। मैंने देखा बाहर यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी है आपकी है जी। तो यहाँ से जाते हुए आप मुझे छोड़ देंगी? बिल्कुल। क्यों छोड़ेंगी आपको? तो मुझे रख के भी क्या करेंगी? मैं आपको सच बताऊं, ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे ये लोग ना मुझे कभी लिफ्ट नहीं देते। कभी लिफ्ट नहीं देते, और यहाँ तक कि मैं जब अपनी बिल्डिंग में जाता हूँ, मेरे बिल्डिंग वाले भी मुझे लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करने देते। कहते हैं कि सीढ़ियां तुम्हारे लिए ही तो बनी है, रेंगते हुए जाओ। पूरी बात बताओ ना फिर, पिछली बार लिफ्ट में चढ़े, इन्होंने दूसरे माले पे जाना था, लिफ्ट सदमे में चली गई। शर्मा जी, क्या हुआ? कुछ छुपा? क्या आपकी बातें? बात भी कोई बहुत लंबी हो गई, छोटी मोटी चीज तो चुभ नहीं सकती। शर्मा जी, मुझे पता है ये ऐसी चुभने वाली बातें क्यों करते हैं। क्यों? इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हैंडसम आदमी आके इन्हीं के घर में आके इनकी प्यारी खूबसूरत गेस्ट से बातें करे। He gets jealous. Why bro? Why? तो सिर्फ यार, you are a married man. तो आप भी तो शादीशुदा है? लेकिन लगता नहीं हूँ। होने में और लगने में फर्क होता है। देखिए, अब मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मेरे हाथ में अगर एक गिटार आ जाए, कंधे पे मैं एक बैग लटका लूँ और मैं ऐसे कॉलेज चला जाऊँ, सेम शाहरुख खान, सेम टू सेम। बिल्कुल। और
करता है वो गिटार भी है बैग भी पड़ा हुआ है पीछे बन के दिखाओ थोड़ा शाहरुख खान चलो नहीं फिर उसके लिए फिर वो जैकेट वैकेट भी चाहिए ना वो भी मिल जाएगी जैकेट है ना कितने लोगों ने पहनी जैकेट मिल जाएगी आपको एक बात बताइए पहले तो ये प्रोडक्शन हाउस आपका सलमान खान का है सामान सारा शाहरुख खान का रख के घूम रहे हैं ये बात आपके प्रोड्यूसर साहब को पता है मैं अगर चाहता ना इस बात के लिए आप पर केस भी कर सकता था लेकिन करूंगा नहीं क्यों क्योंकि मैं चाहता ही नहीं आपको चाहता तो वैसे केस की बात निकली तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक ना थोड़े टाइम पहले एक आपके वो डेली सोव के कोई कलाकार थे उनका चप्पल चोरी का केस आया था मेरे पास लगातार 6 महीने मैं वो केस लड़ा इतनी सी बात को 6 महीने तक कौन खींचता है भाई इनकी सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो जाता है ना उस बात को 10 से 12 एपिसोड खींचती है वैसे देखिए वो चप्पल तो मिली नहीं जी। लेकिन इस केस को 6 महीने लड़ने के लिए जो पैसे मुझे मिले ना 6 जोड़ी जूते खरीद लिए मैंने लेकिन पहनते तो आप फिर भी चप्पल ही हैं ये चप्पल नहीं है नहीं ये एक्चुअली जूता ही है नहीं क्या है गर्मी इतनी है ना तो इसकी दीवारें और छत मैंने हटवा दी है इट्स अ ओपन शू कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट आया है समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा होता है पर मैंने देखा आप लोग की जो सीरियल्स होते हैं डेली सोप वाले उसमें काफी अपने प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होती रहती है ना चकल बदल सकते हैं ये वो मुझे अच्छे डॉक्टर का नंबर दीजिए ना प्लास्टिक सर्जरी मुझे भी करवानी है आपको क्यों करवानी है यार ये एक राजेश नहीं है यहाँ पे मोहल्ले का राजेश पीछे रहता है वो हमेशा मुझे मोटा मोटा कहता रहता है मैं क्या करूंगा प्लास्टिक सर्जरी करा के राजेश का चेहरा यहाँ लगवा लूंगा फिर सब उसको मोटा कहेंगे मैं बच गया वाह वकील साहब ये फालतू बातों का आपने कोर्स किया है या बचपन से हैं आप ऐसे बचपन से कह सकते हैं मैं वैसे बात खत्म नहीं हुई है मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी दिव्यांका जी जी बोलिए क्या हुआ नाभी फंस गई नहीं नहीं दिव्यांका जी एक रिक्वेस्ट थी मेरी इफ यू डोंट माइंड क्या है मेरा एक केस है जरा सा फंस रहा है तो मैं बस चाहता था कि आप अगर एक बार कोर्ट में आके गवाही दे दें आपको जज के सामने सिर्फ इतना कहना है कि हाँ हाँ मैं दामोदर से बे इंतहा मोहब्बत करती हूँ इससे क्या होगा इससे मेरा तलाक होगा क्या है मेरी जो वाइफ है ना वो मुझे सूट हो नहीं रही है सूट नहीं हो रही मुझे सच में मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग जब मैंने देखा है आपके सीरियल्स में आप लोग सुबह सुबह जब जागते हो कितनी आप खूबसूरत से लगते हो आप एक बार मेरे घर पे आके देखिए सुबह सुबह जब वो जागती है उसमें और मुझ में आप पहचान नहीं पाएंगे दोनों में पति कौन है इट्स अ मिस्ट्री इट्स अ मिस्ट्री पर झूठ तो इतना बोलती है मुझे उस दिन मुझे कह के गई कि मैं 2 दिन के लिए मैके जा रही हूँ 2 घंटे में वापस आ गई और फिर मुझसे पूछ रही है कि हमारे घर में ये सूजी कौन है झूठ उसने बोला यार वो मैं के गई है 2 दिन का बोल के और वापस आ गई देखिए झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं मुझे तो तलाक चाहिए वकील साहब आप खुद जाएंगे या व्हीकल टो करने वाली गाड़ी मंगवाऊं मैं मैं जाता हूं मैं खुद ही चला जाऊंगा लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं बताइए अभी कुछ दिन पहले मैं सब्जी लेने निकला अपनी बाइक पे ठीक है मुझे अचानक से कुछ याद आया मैंने लिया यू टर्न जैसे ही यू टर्न लिया सामने आ गया एक बड़ा सा ट्रक फिर आगे आगे का जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड ये क्या बात हुई इनसे पूछिए ये क्या बात हुई आगे देखिए ऐसा ही करती हैं ये सब कहानी एकदम रोमांचक पॉइंट पे लेकर आती है वहां पे कहती है कि अगले एपिसोड में बताएंगे यार आदमी पूरी रात सो नहीं पाता है कि चाय में जहर डाला किसने अगले एपिसोड में बताती हूँ वो जहर था ही नहीं वो तो शक करती ऐसा करती है ये मैं भी नहीं बताऊंगा मैं अगले एपिसोड में आपको देखना है कि ट्रक और मेरे बीच क्या हुआ देखिएगा शर्मा जी को तो आप जानती हैं आपने इनको देखा है इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये एंकरिंग करते हैं एक्टिंग करते हुए देखा है आपने सिंगिंग करते हुए देखा है कॉमेडी करते हुए देखा है इनका एक और पहलू दिखाऊं मैं आपको बताइए एक जेलसी वाला आपको पहलू दिखाता हूँ इनका जब हम सब मिलकर यहाँ डांस करेंगे ना आप चेहरा देखिएगा
आइए। देखिए मैं बोलने को तैयार हूँ, मैं दामोदर से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मनी दो। तेरे को सिर्फ हंस के पैसा चाहिए? अपने आप को अर्चना पूरन सिंह समझता है क्या? लगता है तुम ऐसे मनी नहीं निकालोगी। बीन तुम्हारी बजी नहीं। और कैसी बीन है देख, प्रेग्नेंट हो गई अभी। लगता है तुम ऐसे मनी नहीं दोगी, तुझे राख से वश में करना पड़ेगा। बेटा मैं राख से वश में नहीं, मैं लाख से वश में आती हूँ। प्रोड्यूसर लोग बेटे नदीम भाई बताओ इनको, अगर मैं राख से वश में आ जाती तो 6 महीने पहले नहीं आती। कप्पू बैकग्राउंड दे थोड़ा। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने मेरे नाक को मारा है। मैं ना काली पहाड़ी से तुझे धक्का देकर गाड़ी में डालकर गाड़ी का ब्रेक फेल कर तेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा कर तुझे भूल कर फिर तुझे याद करके एक दिन मार दूंगी। मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं मार देती? देख क्या है ना, तू फिल्मों का सपेरा नहीं टीवी का सपेरा है। डायरेक्ट इसको मार देंगे तो 1000 एपिसोड कैसे पूरे करेंगे? क्या बात है, यहाँ तो एक और नागिन बैठी हुई है। सेलिब्रिटी से फ्रैंक हो रहा? अगर अब तूने बकवास की ना, मैं अर्चना जी को बता दूंगी तेरी जेब में 100 रुपया है। अरे नहीं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। कहाँ जा रहा, इधर आ। कप्पू ये किसको सफेरा बना दिया इन लोगों ने? ये नाक का सफेरा कम कॉकरोचों का सफेरा ज्यादा लग रहा है। जा अभी जा। बनाया इधर। हेलो अंकिता जी नमस्ते। नमस्ते। दिव्यांका जी नमस्ते। नमस्ते। उर्वशी जी। अनीता जी। ये क्या कर रही है? अरे मैं टीवी में देख ले, नागिन लोग हैं, इनको यही सब लगता है। खैर जो भी, अपने दोस्त है, बहुत अच्छे आ रहे लोग। एक बार अंकिता लोखंडे, दिव्यांका त्रिपाठी, उर्वशी ढोलकिया और अनीता डॉट हसनंदानी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हेलो, ये अनीता डॉट हसनंदानी क्या होता है? देखना खुद का डॉट लेके चलती है। हाय दिव्यांका जी। हेलो जी, कैसी हैं आप? मस्त। चैनल ने असली लड़कियों को बुला लिया? मेरे से लड़की अच्छा नहीं हो रहा क्या? पता नहीं कहां से आ गई। बहुत अच्छा लगा आप आए इधर।
गेस्ट है ना, इसलिए बोलना पड़ेगा, वरना इनके पति आते ना तो ज्यादा मजा आता। अच्छा वो आप लोग आए, आपके पति आते ना इतना मजा नहीं आता। अच्छा। और अर्चना जी कैसी हैं आप? देखो बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। जब तक इनकी तारीफ ना करो ना, पूरे एपिसोड में मुंह फुला के बैठी रहती हूँ। मुझे लगता है ये बात तुझे मन में बोलनी चाहिए थी। मेरे मन की बात बाहर आ गई। सॉरी अर्चना जी, वो ना वो दिल से मैंने जानबूझ के बोला था मैंने। आप लोगों को मेरी वॉइस ओवर वाली एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी। मेरे को तो इसके लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। कब? ऐसी बातों के लिए ऑस्कर थोड़ी मिलता है। तो फिर खाए का ऑस्कर? इससे अच्छा तो फिर भास्कर है। छोटी छोटी बातों के लिए मिल लेता है वो अर्चना जी। कपू मेरे को थोड़ा चांदी देना, मैं अपने लिए पायल बनवाऊंगी। मेरे पास चांदी कहाँ से आ गई? अरे आज इतनी खूबसूरत लड़कियां आई हैं, तेरी तो चांदी चांदी है रे। खैर एक बार अनीता डॉट हसनंदानी के लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छी हैं आप। कैसे हैं आप? आपके हस्बैंड वो रोहित रेड्डी ना? अच्छा तो मेरे को पूछने का था, वो शादी से पहले भी रेड्डी थी कि शादी के बाद रेड्डी हुई? नहीं मैं उसका रीजन है क्योंकि मेरा छावा है मुकेश। छावा? वो तो शादी के लिए इतना रेडी है। मैं तो बोलती हूँ अगर शादी हो गई ना तो 9 महीने बाद वो डैडी भी हो जाएगा। ये क्या बात है, 9 महीने में तो कोई भी डैडी हो जाएगा ना? कोई भी क्या, मुकेश से शादी होगी तो वही डैडी होगा ना, कोई भी कैसे डैडी हो जाएगा? यही तरह के कुछ भी बोलता है। वैसे अनीता जी मैं आपके लिए कुछ लाई थी। क्या? मेरा मसाज पार्लर है ना, ये तेल है। ओके। किधर भी ऐसा दर्द विरद होता है ना तो ये तेल बहुत काम आएगा। तो उनको क्यों दे रही है? वो नागिन है ना, ऐसे ऐसे चलती है। तो ये क्या तेल ऐसे रीढ़ की हड्डी पे लगाएंगे ना, सर ऐसा चलती है, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू थैंक यू। नहीं मैं देख ली आप लोग के शो में, जब ऐसा बहुत सीरियस सिचुएशन आता है तो बैकग्राउंड बजता है धुमता ना 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 धुमता ना 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 धुमता ना ना ना। जब हमारे इधर सीरियस सिचुएशन होता है ना तो हमारी अर्चना सिंचन ना 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 सिंचन ना ना सिंचन ना 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 सिंचन ना ना पूरा दिन बाप रे इतना सिंचना खाती है प्रोडक्शन का। मेरे को लगता है 4 पैकेट सिंच पर डे पे मेरे को। मैं ना मेरा आप इतने नागिन बनती इतने फेमस है टीवी, बहुत अच्छा करते हैं आप। थैंक यू। तो हमारा जो नागिन समाज है ना उसकी तरफ से थोड़ा रिक्वेस्ट था, आप बात करेंगे क्या? करूंगी ना। जो भी नाग लोग के जो मेन रहते हैं। मैं क्या चाहती है देखो क्या रहता है, अभी हम नागिन किसी को डसते तो वो नीला पड़ जाता है। इतने सालों से वही चलता रहा नीला नीला नीला। मैं चाहती है ना हमें फ्लेवर डलवाओ थोड़ा, बर्गंडी फ्लेवर, बेल्जियन चॉकलेट, बेल्जियन चॉकलेट, बटरस्कॉच, बटरस्कॉच, ग्रीन एप्पल, ये सब डलवाएंगे। कप्पू देख कितना मजा आएगा। हाँ औरतें खुद पति को लेकर आएंगी डस वाले इसको। खुद आएंगी औरतें, बोलेंगी देखो आज मैंने ऑरेंज कलर पहने लाए, इसको जरा ऑरेंज फ्लेवर खा के डसो ना, ये भी ऑरेंज हो जाएगा। कितना मजा आएगा, मैं वो रिक्वेस्ट था मेरा। तो आदमी मर नहीं जाएगा जिसको डसेगा? अरे कप्पू जो भी औरत सज धज के बाहर निकलती है वो तो चाहती है ना उसका पति उस पे मरे। हम लोग का ऐसा डायरेक्ट जोक नहीं बनाते, पहले लॉजिक ढूंढते फिर जोक बनाते हम लोग। है ना, हमारा टीम ही अच्छी, पहले टीम के लिए जोरदार ताली। ऐसा टीम किधर भी नहीं है, तभी मैं छोड़ छाड़ के इधर आ गई। तो फिर गई क्यों थी? चला बैठ जा, आई गई। थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, अंकिता लोखंडे के लिए जोरदार ताली हो जाए। आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अच्छा मेरे को पूछने का था, टीवी में आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, ऐसा बहुत काम करते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे के बाद आप फैमिली वाले मिलके संडे मनाते हैं कि लोखंडे मनाते हैं?
अब मैं लोखंडे नहीं रही हूँ, अब मैं जैन हूँ। हाँ 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 सही बात है, लेकिन पहली हीरोइन ये खुद कटे है। मैं सच्ची में अंकिता का शो देखती ना टीवी पे, मेरे को बहुत, मैं हमेशा पड़ोसी के घर में जाके इनका शो देखती थी। क्यों, तेरे घर में टीवी नहीं है? नहीं, उसके घर पे बीवी नहीं थी। मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं मेरे को, लेकिन बाद में कोई बात, बाद में थोड़ा चीटिंग किया वो मेरे साथ में। उसके हस्बैंड का तो मेरे को मालूम था ना पहले से, नहीं उसकी बीवी का। कभी कभी मैं कृष्णा भी हो जाती हूँ मेरे को। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.